प्रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और अंकिता लोखंडे, ये तीन नाम हम काफ़ी 2 साल से काफ़ी चर्चा में सुन रहे हैं। अच्छा, आदित्य ठाकरे का नाम मैं पहले जानता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई सीएम का बेटा भी है। सीएम को जानता था क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम थे, और रिया चक्रवर्ती के बारे में वाकई में मैं सुशांत के पहले जानता ही नहीं था। नाम ज़रूर सुना था मैंने कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब एक्स नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती। मैं तो उसको मिथुन चक्रवर्ती की बेटी ही समझता था, लेकिन बाद में पता चला उसने क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं। तो क्योंकि मैं रिया जब लाइफ में आई थी, मैं उसके लाइफ में नहीं था। तो ये काफ़ी तीन नाम सुनने में आ रहे हैं, इन तीनों की मैंने सोचा तीन की कुछ खबर आई है मेरे पास तो मैं आपको बता दूं। बहुत ज़रूरी होता है जब ऐसी कोई खबर आती है तो आप तक पहुंचाना मेरा काम है और मैं ये करता रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ मैं आपको। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इसकी आपको आदत पड़ गई होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि कहा वो टाइम गया जब वो टाइम था। मैं सुबह उठता था 8 बजे से हम चालू करते थे चैनल पे बैठना, लेकिन 8 बजे के पहले 7-7.5 बजे चैनल्स का फोन आता था, अरे आज तो ये खुलासा हुआ गणेश जी, कल रात को हमें ये एविडेंस मिले, अब ये आज का टॉपिक है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, आपके पास कुछ है या फिर हम कैसे कैसे क्या करें, आगे का कैसे चीज़ बढ़ाए, आपका कोई नया एक्शन है क्या, हम कुछ करने वाले हैं, आप बताइए। पहले 4 दिन पहले प्रियर नोटिस पे बताइए ताकि हम कुछ कर सके चैनल पे, उस तरह से आपको प्रमोट करेंगे ताकि आपके साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए। ये सब बातें होती थी, कहाँ गया वो टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कब आएगा ऐसा दिन कि कोई सुबह उठ के मुझे अचानक किसी का फोन आएगा या कोई कुछ बोलेगा कि सर अपडेट आ गई, सुशांत को न्याय मिल गया। बस वो एक दिन के इंतजार में, ऐसा मत समझो कि आप लोग पूछते हो कि सर कोई अपडेट आया क्या, ऐसा नहीं। मैं भी, मेरे दिमाग में यही होता है कि कब आएगा कोई लेटेस्ट अपडेट, नहीं, इनफैक्ट कब मिलेगा इंसाफ, ये चीज़ मैं भी हमेशा ही सोचता रहता हूँ। हम सारे ही इस SSR की जस्टिस के मूवमेंट में जुड़े हुए, एक फैमिली की तरह जुड़े हैं, सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि कब मिलेगा इंसाफ। लेट होप भगवान शायद सब ठीक करे जल्द से जल्द। चले मैं इस बारे में बता देता हूँ। रिया चक्रवर्ती का एक है कि कल मैंने ऑफकोर्स एक वीडियो बना के बता दिया था कि वो रिया चक्रवर्ती माउंट ब्लैंक के आजू बाजू एक फ्लैट ले रही है, जो उसने लिया भी है, नई बिल्डिंग है, उसमें 10वें माले पे उसने फ्लैट लिया हुआ है रेंट पे, क्योंकि उसका खार का उसने तो वो छोटा था ये बताया था, और एक जो फ्लैट है उसको बनाई नहीं था। तो और दूसरी अभी लेटेस्ट खबर रिया चक्रवर्ती की है कि वो अपने फैशन डिजाइनर के शोज वगैरह, कपड़े वगैरह डालते रहती है सोशल मीडिया पे और फैंस से बातें करती रहती है। ये PR में खबर है। दूसरी खबर ये है कि जो PR में नहीं है, अभी आने वाले महीने से, अगले महीने से उसकी नेक्स्ट फिल्म की शुरुआत चालू होने वाली, फिल्म का नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया है, वो जल्दी या तो फिर PR मीडिया को बताया गया है, इससे पहले कि उसकी लास्ट फिल्म थी चेहरे, जो अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ थी। अंकिता लोखंडे की बात करूँ तो अंकिता लोखंडे जो स्मार्ट जोड़ी और ये सब जो कंपटीशन चालू है विक्की जैन के साथ, वो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रही है। कल वो भाग्यश्री को मिलने गई थी, भाग्यश्री मैंने प्यार किया सलमान खान हीरोइन, वो उसको मिलने गई थी, और ये सब चीज़ें अभी वो एक्चुअली स्टार्ट कर रही है। उसको भी काम तो सबको चाहिए होता है, इंडस्ट्री में कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो हर महीने सैलरी मिले, काम ढूंढना पड़ता है, काम करना पड़ता है, काम अच्छा करना पड़ता है, टाइम पे पहुंचना पड़ता है, तब जाके आपको नेक्स्ट काम मिलता है। कंपटीशन तो है, हर जगह है। थर्ड, आदित्य ठाकरे आज की डेट में जो भी अभी लाउड स्पीकर वाला ये मामला खत्म हुआ है, और नीतीश राणे को तो हर तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में थोड़ा सा शांत किया गया है, बाय प्रेसिडेंट के थ्रू हो या किसी के भी थ्रू हो, क्योंकि ये बात तो सच है कि दिशा सालन का बॉयफ्रेंड आने के बाद नीतीश राणे चुप है। तो आदित्य ठाकरे इस बारे में अभी थोड़े से सुकून भरी जिंदगी है, लेकिन राजनीति में उन्होंने अपना ये कदम रखा है कि अभी अयोध्या वगैरह से तो आए हैं, शाहपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत चल रही है गरीबों की और ये सब की, तो वहाँ पे आदित्य ठाकरे खुद पर्सनली जा रहे हैं और अपना राजनीतिक जो भी उनका काम है वो अपना काम करेंगे, जो बाकी राजनेता करते हैं वैसे आदित्य ठाकरे भी करेंगे। सो ये तीनों की तीनों खबरें, सारी दुनिया अपने अपने काम में लगी है। मेरा ये सुझाव है आप लोगों से कि सारे वीडियोस देखना है, सारी चीज़ें करना, देखते रहो, सुशांत के न्याय के लिए आप देखते रहो वीडियो, सारी चीज़ें, रात को सोते टाइम ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ना सोचे, पॉजिटिव थॉट लेके सोचो, सुशांत को याद करके सोचो, नमो नमो शंकर गाना सुन के सोचो और फिर रात को सो, सुकून की नींद पाओगे तो सुकून का दिन भी निकलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.